नमस्कार, टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ प्राइम टाइम के पहले न्यूज शो फोर का फायर में आपका स्वागत है। अगले एक घंटे में पूरे फैक्ट और रिसर्च के साथ दिन भर की सारी बड़ी खबरों से आपको अपडेट करूंगी। खबरों में रफ्तार भी होगी और विस्तार भी। अगले एक घंटे तक आप बने रहिए फोर के फायर के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वर्षा शर्मा। आपको दिखाएंगे की आज आपके राज्य में क्या कुछ हुआ है, हर वो खबर दिखाएंगे जिसका आपसे सीधा सरोकार है। साथ ही बताएंगे दिल्ली मुंबई से आज की बड़ी खबरें क्या हैं। देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आग लगी, कुछ बचा या सब जलकर खाक हो गया। वीडियो सबूतों से आपको सारी खबरें दिखाएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। इंटरनेशनल खबरों में आज बैटलफील्ड से एक सबसे बड़ी खबर कौन सी है? कुदरत की थर्ड डिग्री टॉर्चर की मार दुनिया में कौन कौन से देश झेल रहे हैं, वीडियो सबूतों के जरिए आपको बताएंगे। साथ ही दिल्ली में बीजेपी और आपके बीच सियासत का सबसे नया चैप्टर आज क्या है, पूरी खबर विस्तार से आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की 50 अपडेटेड हेडलाइंस। अब से पूछताछ हुई थी, देखिए कल पॉलीग्राफ में 40 सवाल यहां पर पूछे गए थे और अभी ये बताया जा रहा है कि रोहिणी एफएसएल लेकर पहुंची है। फिलहाल जो पुलिस है, पॉलीग्राफ टेस्ट का लास्ट सेशन है। पहले बुखार हो गया था, जो सेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, पूरा नहीं हो पाया था। उसके बाद कल 9 घंटों तक ये पूरा का पूरा सेशन चला था। अमित हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पाई है? कल 9 घंटे सवाल जवाब हुए थे, अभी तक क्या कुछ हो पाया, अभी क्या हो रहा है? जी देखिए, आफ्ताब को एक बार फिर से एफएसएल लेकर आया गया है। निश्चित तौर पर आज फाइनल सेशन उसका होना है, पॉलीग्राफी टेस्ट का। कल भी उसका पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था, लेकिन चूंकि बताया ये जा रहा है कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, जिसकी वजह से वो असहज महसूस कर रहा था, और इसी वजह से पॉलीग्राफी टेस्ट का पूरा सेशन जो था वो कल कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन आज जो सवालात बचे हुए हैं, जिन सवालों का जवाब पुलिस चाहती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चाहती है, आज उन सवालों का एक बार फिर से सामना करना पड़ेगा आफ्ताब को। और आफ्ताब से जो सवाल बचे हुए हैं उनसे वो सवाल उससे पूछा जाएगा। तो फिलहाल आफ्ताब अभी पहुंचा हुआ है। चूंकि एक नियम होता है, एक रूल होता है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट जब भी होता है तो उससे पहले कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। फिलहाल आफ्ताब थोड़ी देर पहले ही यहां पर पहुंचा है, अभी उसको उन फॉर्मेलिटीज से होकर गुजरना होगा और उसके बाद फिर से सवाल जवाब जो होगा वो शुरू किया जाएगा। लेकिन कल जिस तरीके से उससे सवाल पूछे गए, कई बार उससे कई तरीके के सवाल पूछे गए, जिसमें सूत्रों की माने तो उससे जो वेब सीरीज है उसके बारे में भी सवाल पूछे गए। इतना ही नहीं, उससे ये भी पूछा गया था कि किस तरीके से उसने इस हत्या को अंजाम दिया। तो कई अभी ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लेना है और इसी वजह से आज फाइनल सेशन किया जाएगा। हैं इसके बाद और कितनी मदद देखे अनुज इस पूरी की पूरी जांच में यहाँ पर इस पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद मिल पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज मिश्रा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे और तमाम जानकारी उन्होंने साझा की। बढ़ते आगे, यूक्रेन पर हमले का रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक और वीडियो जारी कर दिया है। इस वीडियो में टॉर्नेडो रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन के ठिकानों पर घातक हमले करते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ रूस पर यूक्रेन ने अपने होमगार्ड तोपों से जोरदार जवाबी हमले भी किए हैं। यूक्रेन रूस युद्ध में जिसके पास जितने घातक हथियार हैं वो उतनी ही ताकत से वार कर रहा है। परमाणु हथियारों को छोड़ दें तो रूस ने अब तक अपने तर्कश से लगभग सभी घातक हथियारों को युद्ध के मैदान में उतार दिया है। ये रूस का घातक रॉकेट लॉन्चर टॉर्नेडोस है, जो इस समय यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर एक के बाद एक रॉकेट से हमला कर रहा है। 2014 में रूसी सेना में आया टॉर्नेडोस रॉकेट लॉन्चर बेहद घातक है और दूर तक मार करने की क्षमता रखता है। इसमें 12 एमएम के 12 बैरल्स लगे हैं, जो चंद सेकंड में 200 किलोमीटर की दूरी तक के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन को भी नाटो देशों से दमदार हथियार मिल रहे हैं, जो रूस पर भारी पड़ रहे हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन की 203 एमएम की होवित्ज़र तोप बेहद घातक साबित हो रही है। यूक्रेन नाटो से मिले हथियारों के बल पर रूस को करारा जवाब तो दे ही रहा है, साथ ही जमीन पर भी उसकी सेना रूस टैंक बटालियन से मोर्चा ले रही है। दिल्ली में कार चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी तस्वीर दिल्ली के जनकपुरी में देखने को मिली है। जी हाँ, जनकपुरी इलाके में कार चोरों ने कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक की कार पर याद साफ कर दिया। कार चोरी की तस्वीरें वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और इसी आधार पर अब पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए दिल्ली पहुंचे कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक की गाड़ी चोरी हो गई।
जनकपुरी में पंखुड़ी पाठक की कार चोरी होने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। यहां सड़क किनारे पंखुड़ी की फॉर्चुनर कार खड़ी है, तभी सफेद रंग की कार से एक शख्स उतरता है और कार का पिछला दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। चोर के दरवाजा खोलने की कोशिश के दौरान कार का लेफ्ट अलार्म बज उठता है, जिसके बाद भी वो कार खोलने की कोशिश जारी रखता है। करीब आधे घंटे की कोशिश के बाद कार का पिछला दरवाजा खुल जाता है और ये चोर दरवाजे को बंद कर अपनी कार में चले जाते हैं। कुछ देर बाद फिर से ये कार लेकर वापस आते हैं और एक चोर पंखुड़ी की कार लेकर बड़े आराम से मौके से फरार हो जाता है। पंखुड़ी पाठक को जब कार चोरी की खबर लगी तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस एफआईआर दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। अमेरिका के शिकागो में एक ड्राइवर की लापरवाही से भीषण सड़क हादसा हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक क्रॉसिंग पर रॉन्ग साइड से आ रही एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी तेज थी कि सातों गाड़ियां चकनाचूर हो गईं। अमेरिका के शिकागो में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में सात गाड़ियों का कचूमर निकल गया और दो लोगों की मौत भी हो गई है। अमेरिका के शिकागो में जिसने इस भीषण सड़क हादसे को देखा वो सहम गया। एक कार चालक की लापरवाही से ऐसा हादसा हुआ, देखने वालों की रूह कांप गई। एक इंटरसेक्शन पर रॉन्ग साइड से आ रही एक कार ने सात से ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि सारी गाड़ियां माचिस की डिब्बों की तरह पिचकती चली गई और जाकर एक दूसरे में घुस गई। इस हादसे में सात बच्चों समेत 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के तुरंत बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इस एक्सीडेंट के बाद कई घंटों तक रास्ता ब्लॉक भी रहा, जिससे बाकी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। केजरीवाल की जान को खतरा बताए जाने वाले बयान पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोल दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब जब चुनाव आता है आम आदमी पार्टी इसी तरह के आरोप लगाती है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी आप इसी तरह के आरोप लगाती रही है। सुनिए किसके दावे क्या कहते हैं। बहुत दुखद है, संदीप जी मेरे भी करीबी थे और ट्रेड विंग में काफी अहम भूमिका निभाते थे, लेकिन इस तरह से टिकट से नहीं जोड़ सकते इसको, ये गलत कर रहे हैं। संदीप भारद्वाज आत्महत्या नहीं किया बल्कि उनकी हत्या हुई है और इन सारे बातों से प्रमाणों से हम अलग नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इस केस में एक उच्च स्तरीय जांच हो, न्यायिक जांच हो, जिस स्तर पे भी जांच हो, संदीप भारद्वाज की हत्या के तह में जाना पड़ेगा दिल्ली को। जम्मू में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन तो जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर था, लेकिन निशाना बीजेपी और केंद्र सरकार पर था। और देखिए इसी दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरन चुनाव आयोग के दफ्तर का मेन गेट भी वहां पर खोल दिया। में आमने सामने की सियासी लड़ाई लड़ रही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव अब जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव की मांग को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने जम्मू में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर का गेट जबरन खोल दिया और भीतर घुस गए। चुनाव आयोग के दफ्तर के परिसर में घुसने के साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी जानबूझकर चुनाव जल्द नहीं कराना चाहती है। नवंबर 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया गया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था। अब परिसीमन के बाद यहां पर जल्द चुनाव की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। और अब बात बेंगलुरु की करेंगे। बेंगलुरु में रोड दरअसल एक बहुत ही हैरान करने वाला रोडरेज का मामला सामने आया, जहां पर बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस के ड्राइवर ने एक बाइक सवार को जमकर पीटा है। देखिए दरअसल बाइक सवार जो है उसने बस को ओवरटेक करने के बाद हाथ से गंदे इशारे किए थे, जिससे बस ड्राइवर को गुस्सा आ गया।
और ये देखिए किस तरीके से हाथापाई की नौबत आ गई। बाइक सवार को पहले बस के भीतर लाया गया, फिर उसकी जमकर पिटाई की गई। हालांकि बाद में बीएमटीसी ने ड्राइवर को इस तरह से मारपीट करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। चले बढ़ते हैं आगे। सऊदी अरब की बात करते हैं, जहां जेद्दा में पानी का ऐसा सैलाब आया है कि उसके रास्ते में जो भी कुछ आ रहा है उसे बहा कर ले जा रहा है। समुद्र के किनारे के शहर में पिछले 24 घंटों में हुई भारी बारिश ने पूरे शहर को दरिया में तब्दील कर दिया है। जी हां, गलियों से लेकर सड़कों तक हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। भारी बारिश के बाद सऊदी अरब के समुद्र के किनारे बसे शहर जेद्दा में बाढ़ आ गई। शहर के जिन सड़कों पर फर्राटे से गाड़ियां दौड़ती थी उन पर पानी का सैलाब बह रहा था और सामने से जो आ रहा था उसे साथ बहा ले जा रहा था। सड़क किनारे पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब गई। कुछ जगहों पर तो गाड़ियां पानी के सैलाब में ऐसे बह रही थी जैसे नदी के भीतर नाव चल रही है। शहर के अंडरपास तो स्विमिंग पूल बन गए जिसमें फंसे लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग तैरते हुए उन तक पहुंचते दिखाई दिए। जेद्दा का मेन हाईवे पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था और दूर तक लंबा जाम दिखाई दिया। कुछ जगहों पर तो राहत और बचाव के लिए पहुंची टीमों को पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी का सहारा लेना पड़ा। अचानक से बिगड़े मौसम के मिजाज की वजह से दो लोगों की मौत हो गई जबकि हवाई उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा है। प्रशासन ने लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। पंजाब के जालंधर में ट्रैक्टर और ट्रक की टक्कर होने की वजह से भयंकर सड़क हादसा हो गया। जी हाँ, टक्कर के बाद आउट ऑफ कंट्रोल होकर ट्रक नीचे बह रहे नाले में जा गिरा जबकि ट्रैक्टर पुल से नीचे की तरफ लटक गया। ट्रैक्टर ट्रॉली की हुई टक्कर, भयंकर सड़क हादसा। ट्रैक्टर से टकराकर नाले में जा गिरा ट्रक। भयंकर सड़क हादसे की तस्वीरें पंजाब के जालंधर से सामने आई है जहां एक ट्रैक्टर और ट्रॉली में ऐसी भिड़ंत हुई कि देखने वालों का दिल दहल गया। चश्मदीदों के मुताबिक पुल पर ज्यादा जगह नहीं थी लेकिन ट्रक और ट्रैक्टर दोनों काफी स्पीड में आमने सामने से आ रहे थे और इसी दौरान उनकी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद आउट ऑफ कंट्रोल होकर ट्रक नीचे की तरफ बह रहे नाले में जा गिरा जबकि ट्रैक्टर पुल से नीचे की तरफ लटक गया। टक्कर के बाद चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने जैसे तैसे करके सभी को ट्रॉली से सुरक्षित नीचे उतारा लेकिन तब तक कई लोगों को चोटें लग चुकी थी। बता दें कि इस हादसे में दोनों ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है। और बात चीन की करेंगे। चीन की एक हाई राइज बिल्डिंग में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लोगों को निकलने का मौका तक नहीं मिला। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने जब तक पहुंचकर आग बुझाई तब तक कई लोगों की जान जा चुकी थी। चीन के शिनजियांग में एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। गुरुवार देर रात बिल्डिंग की 15वीं मंजिल में आग लगी। आग लगते ही बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। बिल्डिंग में आग लगने के बाद उसे पूरी तरह से खाली करा दिया गया था। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में इमारतें पुरानी हैं, कई तो जर्जर हालत में हैं। कई बिल्डिंगों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नहीं है। सूत्रों की माने तो इस बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। खबर दिल्ली के चांदनी चौक से है जहां पर उसी के करीब भागीरथ पैलेस में गुरुवार की रात भीषण आग लग गई। देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में लगी इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को करीब 11 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। आग की वजह से भागीरथ पैलेस में कमजोर हुई कई इमारतों को फायर ब्रिगेड ने अब खतरनाक घोषित कर दिया है।
बीती रात दिल्ली के भगीरथ पैलेस में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते मार्केट की कई दुकानों को अपनी जद में ले लिया और दूर से ही आग की लपटें दिखाई देने लगी। देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में तंग गलियों के बीच तारों का जाल बिछा है, इसीलिए आग तेजी से मार्केट में दूसरी मंजिल पर बनी दुकानों के वेयर हाउस तक फैल गई। चांदनी चौक के इस इलाके में दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग का सैलाब है जो धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ रहा है। आग जैसे जैसे फैल रही थी, दुकानों और वहां की दूसरी इमारतों के हिस्से भी टूट कर नीचे गिर रहे थे। चंद मिनटों के भीतर ही पूरे भगीरथ पैलेस की मार्केट में चारों तरफ आग और धुएं का गुब्बार दिखाई देने लगा। आग लगने के 10 मिनट के भीतर फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई, लेकिन तंग गलियां होने की वजह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आग तक पहुंचने में मुश्किल हो रही थी। रात में लगी इस भीषण आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड को करीब 12 घंटे का समय लगा और आज सुबह जाकर आग पर काबू पाया जा सका। ईरान की तानाशाही सरकार के खिलाफ आज संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में ईरान के लोगों के साथ साथ दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता भी शामिल हुए। ईरान में हिंसा में मारे गए लोगों का फोटो लिए प्रदर्शनकारियों ने ईरान की कट्टरपंथी सरकार के नेताओं को फांसी देने की भी मांग की। ईरान की कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ ईरान के भीतर तो विरोध हो ही रहा था और अब ये विरोध दुनिया भर में फैल रहा है। जिस समय संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में ईरान में लोगों पर अत्याचार पर चर्चा हो रही थी, उसी समय संयुक्त राष्ट्र के ठीक सामने ईरान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इस विरोध समर्थन में ईरान के नागरिक तो शामिल ही थे, साथ ही दुनिया भर के मानवाधिकार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता भी समर्थन के लिए पहुंचे थे। प्रदर्शनकारी हाथ में ईरान के झंडे लिए हुए थे और ईरान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कुछ लोग तो ईरान के तानाशाह को फांसी दो के नारे भी लगा रहे थे। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग जमीन पर बैठे हुए दिखाई दिए। जहां पर ये लोग बैठे थे वहां उन शहीदों की फोटो भी लगाई गई थी जो ईरान में सितंबर में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान ईरानी सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार हुए थे। पिछले 70 दिन से ईरान में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सड़क पर उतरी जनता अब ईरान में कट्टरपंथी शासन के मांग पर अड़ गई है। और अब बात कर्नाटक की करेंगे। कर्नाटक के चिकमंगलूर में वन विभाग के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। दफ्तर में ये तोड़फोड़ इलाके के ही गुस्साए लोगों ने की है। देखिए, लोगों ने दफ्तर में घुसकर उन्हें जो कुछ भी मिला उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। दफ्तर की खिड़कियों के शीशे तक यहाँ पर तोड़ दिए गए। उसी दौरान की तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। इलाके में हाथियों के कुचलने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसी से नाराज लोगों ने वन विभाग के दफ्तर पर अपना गुस्सा उतारा। वन विभाग पर एक्शन ना लेने का आरोप इन लोगों ने लगाया और उसके बाद जबरदस्त हंगामा किया। और अब खबर ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स से है जहां पर भारी तबाही बाढ़ ने मचाई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से शहर में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने न्यू साउथ वेल्स के लिए राहत पैकेज का भी ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में आई भीषण बाढ़ ने यहां कहर बरपाया हुआ है। बाढ़ के कारण अब तक $5.5 बिलियन का नुकसान हो गया है। जहां तक नजर जा रही है चारों तरफ बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। शहर में जगह जगह पानी भरा है। शहर के अंदर भरे पानी ने लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी है। बाढ़ से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। कृषि उद्योगों को भी काफी नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने आपदा राहत में $1.3 बिलियन की घोषणा की है ताकि हजारों लोगों को घरों की मरम्मत में मदद मिल सके। न्यू साउथ वेल्स में त्राहिमाम मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश के कारण बांध भर चुके हैं। नदियों में तटबंध टूट जाने के कारण शहर में 4 बार बाढ़ की आपदा स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग के प्रबंधक जेन गोलिंडिंग ने बताया कि सिडनी के उत्तर में न्यूकैसल और सिडनी के दक्षिण में वोलोगोंग के बीच के कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में अधिक बारिश हुई है जिससे स्थिति और ज्यादा खराब हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। इधर ताइवान के साथ चल रहे विवाद के बीच चीन ने अपनी नौसेना के शक्ति प्रदर्शन का एक वीडियो जारी किया है। चीन ने अपने तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर से समुद्र के बीच अपने युद्ध कौशल को दिखाकर ताइवान, अमेरिका और जापान को सख्त संदेश देने की कोशिश की है। देखिए, बताया जा रहा है कि इस दौरान चीनी जहाज जापान के समुद्री इलाके में भी घुस गए जिस पर जापान ने सख्त एतराज जताया है। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों से चल रही तनातनी के बीच चीन ने अपनी नौसेना का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। इस प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए समंदर में चीन ने फिर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। चीन की नेवी ने जो वीडियो जारी किया है वो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का है जो समुद्र में एक्शन में दिखाई दे रहे हैं।
इन तीन एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास कई और लड़ाकू युद्धपोत समंदर में तैरते दिखाई दे रहे हैं। चीन की नेवी ने हालांकि ये नहीं बताया है कि वीडियो आखिरकार किस लोकेशन का है, लेकिन बीच समुद्र में तीन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ दूसरे युद्धपोत अभ्यास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट से उड़ान भरकर लड़ाकू विमानों से युद्धाभ्यास किया। पिछले दिनों 7 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान के एयर स्पेस में घुसते हुए दिखाई दिए थे, जिस पर ताइवान ने सख्त आपत्ति जताई थी। इतना ही नहीं, ताइवान में इस तरह की हरकत को लेकर अमेरिका भी चीन को लगातार आगाह करता रहा है। वैसे तो नोट छापने की जिम्मेदारी आरबीआई की है, लेकिन बिजनौर में एक शख्स ने खुद ही नोट छापने का कारोबार शुरू कर दिया है। लेकिन देखिए, जब ये शख्स नकली नोट चलाने के लिए हरिद्वार के एक मार्केट में पहुंचा तो जनता के हत्थे चढ़ गया। वहां पहले तो जनता ने उसे सबक सिखाया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में अचानक तब हड़कंप मच गया जब लोगों ने नकली नोटों के साथ एक शख्स को धर दबोचा। लोगों के आगे हाथ जोड़कर बैठे और मार खा रहे इस शख्स का नाम नरेश कुमार है। नरेश बिजनौर का रहने वाला है और उस पर आरोप है कि उसने किराए का कमरा लेकर उसमें खुद ही प्रिंटर से नकली नोट छापे और फिर उन्हें बाजार में चलाने की कोशिश की। दरअसल आरोपी नरेश जब सिडकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद की दुकान पर 100 और 200 रुपए के नकली नोट लेकर सामान खरीदने पहुंचा, तो दुकानदार ने नकली नोट की पहचान करके आसपास के लोगों को उसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में लिया और उससे पुलिस थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद आरोपी नरेश ने खुद ही नकली नोट छापने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने आरोपी के घर से 30,000 रुपए के नकली नोटों का बंडल और रॉ मटेरियल के साथ एक कलर प्रिंटर को भी बरामद किया है। खैरसोन शहर पर कब्जा करने के लिए एक बार फिर से रूस ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। बीती रात रूसी सेना ने नए सिरे से खैरसोन पर मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर से हमला बोला है और इस हमले के बाद पूरे शहर में चीख पुकार मच गई। हर तरफ आग के लपटे उठती हुई दिखाई दी। खैरसोन पर एक बार फिर से कब्जे के लिए रूस ने बड़ा अभियान शुरू किया है। पिछले 24 घंटे में रूस की सेना ने जमीन और समुद्र से खैरसोन में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूस के इस हमले में खैरसोन के कई रिहायशी इलाके भी चपेट में आए हैं। कई इमारतें तो पूरी तरह से जमींदोज हो गई हैं। अचानक रात में हुए इस हमले के बाद खैरसोन में एक इमारत से आग की ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। रात में इस जोरदार हमले का सिलसिला सुबह तक चलता रहा। शहर में कई जगहों पर धमाकों की तस्वीरें कुछ लोगों ने अपने कैमरों में कैद कर ली। अपनी सेना को हथियार और राशन की सप्लाई नहीं कर पाने की वजह से कुछ दिन पहले ही रूसी सेना खैरसोन से पीछे हटी थी, लेकिन एक बार फिर से पूरी ताकत से रूस ने खैरसोन पर कब्जे के लिए हमला बोला है। खैरसोन के यूक्रेनी सेना के ठिकानों को एक बार फिर से ड्रोन से भी निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन रूस के बीच इस युद्ध को 9 महीने से अधिक हो गया है, लेकिन यूक्रेन पर रूस अब तक जीत दर्ज नहीं कर पाया है। और इधर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यूक्रेन में परमाणु आपदा की आशंका बढ़ गई है, ये बड़ी खबर। ज़ापोरिज़्या में रूस यूक्रेन का वार पलटवार लगातार जारी है। रूस की बमबारी से न्यूक्लियर प्लांट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। देखिए, रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम के पास कुछ धमाके हुए हैं और इसी के साथ रेडियो एक्टिव वेस्ट के पास भी मिसाइल यहां पर गिरी और इसी वजह से ये आशंका अभी फिलहाल जताई जा रही है। पर ज़ापोरिज़्या टेंशन में दुनिया। पुतिन का मिशन न्यूक्लियर सिग्नल क्लियर। लाल सेना के एक्शन से निकलेगा रेडिएशन। यूक्रेन के यूरेनियम पर कब्जे की लड़ाई। रूस यूक्रेन के बीच वॉर जोन से जिस तरह का विध्वंसक ट्रेलर दिखाई दिया, उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि न्यूक्लियर वॉर कभी भी हो सकता है। यूक्रेन का दावा है कि जंग के मैदान में रूस प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसने डर्टी बम से महाविनाश का खतरा बढ़ा दिया है।
दुनिया भर में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन के जैपोरिजिया से परमाणु तबाही का चक्र शुरू होने वाला है। यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 550 किलोमीटर दूर जैपोरिजिया के आसपास जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। जैपोरिजिया के न्यूक्लियर प्लांट पर फिलहाल रूस का कब्जा है। रूस सेना इस प्लांट को घेरे हुए है, जबकि यूक्रेन आग से खेलते हुए प्लांट को रूसी कब्जे से आजाद कराने का रास्ता तलाश रहा है। रूस और यूक्रेन के पावर टसल के बीच जैपोरिजिया के न्यूक्लियर प्लांट पर बीते कुछ दिनों से मिसाइलों की धनाधन बरसात हो रही है। बीते एक हफ्ते में जैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक करीब 20 मिसाइलें गिरी। रूस का दावा है कि यूक्रेन की तरफ से दागी गई कई मिसाइलें रिएक्टर कूलिंग सिस्टम के पास गिरी, जबकि कुछ मिसाइलें रेडियोएक्टिव वेस्ट के पास भी गिरी। न्यूक्लियर प्लांट के वेस्ट डंपिंग यार्ड में भारी नुकसान की भी खबर है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन जानबूझकर रेडियोएक्टिव ठिकानों पर अटैक कर रहा है ताकि परमाणु हादसा हो और इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया जा सके। जबकि जानकारों का कहना है कि जैपोरिजिया यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर है और रूस इस प्लांट को यूक्रेनी ग्रिड से काटने की कोशिश कर रहा है। दरअसल सर्दियों की दस्तक के साथ ही यूक्रेन में घरों और दफ्तरों को गर्म रखने के लिए हीटिंग सिस्टम ऑन हो जाते हैं, लेकिन रूस ने यूक्रेन में जिस कदर तबाही मचाई है उसकी वजह से इस बार की सर्दियों में ऐसा नहीं हो पा रहा है। रूसी हमले में सिर्फ जैपोरिजिया ही नहीं बल्कि यूक्रेन के बाकी शहरों में पावर स्टेशन तबाह हो गए। पश्चिमी शहर लवीव का सब स्टेशन भी रूस के हवाई हमले से ध्वस्त हो गया। शहर के मेयर का कहना है कि सब स्टेशन को रिपेयर करने में कई महीने लगेंगे। हाल ही में खेरसोन से पीछे हटी रूस की सेना ने एक बार फिर खेरसोन में अपने हमले तेज कर दिए। यह भी पावर स्टेशन को ही निशाना बनाया जा रहा है। खेरसोन में रूस के मिसाइल अटैक से पावर स्टेशन में भारी तबाही मची। रूस की तरफ से की गई ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की वजह से यूक्रेन के पावर नेटवर्क को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के कई शहरों को ब्लैकआउट का सामना करना पड़ रहा है। बिजली संकट से निपटने के लिए पूरे देश में कटौती की जा रही है। इधर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी हालात को लेकर बेहद गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट टाइम्स नाउ भारत। तो देखिए, रूस यूक्रेन महायुद्ध की वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने की आशंका ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। यूक्रेन का यह आरोप है कि रूस लगातार उसके देश के न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाने पर ले रहा है और इससे सबसे बुरे हालात जैपोरिजिया जहां रूस की सेना प्लांट पर कब्जा कर चुकी है। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर परमाणु तबाही के लिए उकसाने का आरोप लगा रहे हैं। चार तस्वीरें आपके सामने हैं। और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताते हैं, बेलारूस के तानाशाह लुकाशेंको ने यूक्रेन को चेतावनी दे दी है कि यूक्रेन को हमले रोक देने चाहिए। यूक्रेन को फौरन युद्ध रोकना होगा, अगर यूक्रेन नहीं माना तो सिर्फ बर्बादी होगी, यूक्रेन को पूरी तरह जमींदोज कर देंगे, ये उन्होंने कहा भी है। लुकाशेंको ने यूक्रेन को कुछ इसी अंदाज में अब धमकाया है। Тяжело, сложно, трудно, но надо, если они этого хотят, надо восстанавливаться, надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потерей государственности Украины, государственности. Это будет уничтожение Украины. Надо остановиться. दिल्ली में शराब घोटाले की बात, केजरीवाल सरकार पर क्लासरूम घोटाले का भी आरोप लगा है। जी हां, डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट सौंपी है और रिपोर्ट के मुताबिक क्लासरूम बनवाने में बड़ा घोटाला हुआ है। ये घोटाला करीब 1300 करोड़ रुपए का है। दिल्ली में क्लासरूम घोटाले पर बीजेपी ने निशाना भी यहाँ पर साधा। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया और ये कहा गया है इस रिपोर्ट में 1300 करोड़ रुपए जो है उसका गबन ये पूरी तरह से किया गया है। तो बीजेपी कह रही है केजरीवाल मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी। करीब 1300 करोड़ घोटाले का आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। रिपोर्ट में बब्बर एंड बब्बर कंपनी का जिक्र है। पूरा ये मामला क्या है विस्तार से आगे आपको बताएंगे, लेकिन क्लासरूम घोटाले पर अब बीजेपी आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों ले रही है। तो तीन तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। क्लासरूम बनाने में घोटाला हुआ है, ये बीजेपी
से कहना है, आम आदमी पार्टी पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया है। 1300 करोड़ का ये पूरा गोलमाल रिपोर्ट में बात कही गई है। और ऐसे में अब देखिए, शराब के बाद आपका ये नया घोटाला है, ये बीजेपी कह रही है। बताते हैं ये बब्बर गब्बर से बड़ा ही घनिष्ठ है। भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल गब्बर बब्बर को भेजते हैं और बब्बर का रसूख देखिए, मंत्री के साथ उनके कक्ष में बैठकर वो बताता है कि कितने क्लासरूम बनाएंगे, बिना टेंडर के हम ही बनाएंगे, इसमें क्या सुविधाएं होंगी। और आप सब जानते हैं सीवीसी गाइडलाइंस हैं, सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल और गाइडलाइंस हैं। अगर जनता का रुपया खर्च होगा तो ये मैंडेटरी है, आवश्यक है कि उन गाइडलाइंस का पालन हो। एक निविदा निकाली जाए और हो सकता है कोई और व्यक्ति कम दाम में वो कार्य और बेहतर करे, लेकिन बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स नाम है, इनकी पकड़ ऐसी थी कि ये सारी शर्तें तय कर रहे थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जम्मू के रामबन में बड़ी साजिश नाकाम, मिनी बस से बरामद आईडी, बम स्क्वाड जांच में जुटा। कानपुर में 250 से ज्यादा बच्चों को काटने वाले कालिया बंदर को उम्र कैद की सजा, इस बंदर को तांत्रिक ने पाला था, तांत्रिक की मौत के बाद बंदर ने लोगों को काटना शुरू कर दिया था। बेंगलुरु में ओवरटेक करने पर बस चालक ने बाइक सवार की पिटाई कर, वायरल होने पर परिवहन निगम ने ड्राइवर को निलंबित किया। गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया गया, 11 साल की बच्ची की हत्या का आरोपी है। बाड़मेर में मूक बधिर युवती के साथ गैंगरेप, लहूलुहान अवस्था में खेतों में मिली लड़की, मामला दर्ज किया गया। बुलंदशहर के पहासू में 10वीं की नाबालिग छात्रा के साथ रेप किया गया, आरोपियों ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तस्वीरें भी डाल दी। यूपी के रामपुर में तलाकशुदा नजरुल को नेहा बनना महंगा पड़ा, दूसरी शादी से नाराज पहले पति ने महिला पर चाकू से वार किया। श्रद्धा हत्याकांड में आज आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट का आखिरी सेशन, कल करीब 9 घंटे तक ये सेशन चला था। श्रद्धा और आफ्ताब के दो दोस्तों के बयान दर्ज, बताया श्रद्धा को मारता था आफ्ताब, हत्या की देता था धमकी। श्रद्धा के दोस्त रजत शुक्ला को दिल्ली पुलिस ने तलब किया है, श्रद्धा हत्याकांड के खुलासे के लिए बेहद अहम है रजत का बयान। आफ्ताब ने दिल्ली पुलिस को बताया कुछ और लोकेशंस का पता, पुलिस उन जगहों पर भी जाकर करेगी तफ्तीश। बद्री के मकान मालिक शेखर से टाइम्स और भारत की टीम ने की बातचीत, शेखर के घर में ही आफ्ताब को लेकर उत्तराखंड गई थी दिल्ली पुलिस। सूरजकुंड के जंगलों में सूटकेस में मिले शव के टुकड़े, फरीदाबाद पुलिस ने दिल्ली पुलिस को दी सूचना, हो सकता है डीएनए टेस्ट। अहमदनगर में मुस्लिम समुदाय ने किया आफ्ताब के खिलाफ विरोध, फांसी की मांग करते हुए पुतले भी जलाए हैं। दिल्ली में क्लासरूम बनवाने में बड़ा घोटाला, आम आदमी पार्टी सरकार पर 1300 करोड़ के गबन का आरोप, विजिलेंस ने सौंपी रिपोर्ट। स्कूल घोटाले को लेकर विजिलेंस ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को सौंपी रिपोर्ट, आम आदमी पार्टी सरकार पर बिना एस्टीमेट के टेंडर देने का आरोप। आम आदमी पार्टी सरकार पर ठेकेदारों को टेंडर से ज्यादा पैसे देने के आरोप है, रिपोर्ट में क्लासरूम निर्माण कार्य की प्रशासनिक मंजूरी नहीं लेने की भी बात। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का केजरीवाल सरकार पर हमला, का जिन्होंने क्लासरूम बनाने में घोटाला किया वही करते हैं शिक्षा मॉडल की बात। क्लासरूम घोटाले को लेकर बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा, गौरव भाटिया ने कहा भ्रष्टाचार की गारंटी है केजरीवाल। दिल्ली में क्लासरूम घोटाले पर संबित पात्रा का हमला, कहा आप सरकार सभी घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट में विजय नायर अभिषेक समेत कुल 7 लोगों के नाम। आबकारी नीति मामले में चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं, ईडी ने केस में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सिसोदिया का मनोज तिवारी पर आरोप का, केजरीवाल की हत्या की साजिश कर रही है बीजेपी, मनोज तिवारी से हो पूछताछ। सिसोदिया के आरोप पर मनोज तिवारी का पलटवार, का केजरीवाल हर साल हत्या का आरोप लगाते हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता का सिसोदिया के बयान पर पलटवार, का केजरीवाल को जान का खतरा है तो पुलिस कंप्लेन करे, बिना सबूतों के आरोप लगाना उनकी पुरानी आदत है। मनीष सिसोदिया के बयान पर दिल्ली एलजी का एक्शन, पुलिस कमिश्नर को अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा कड़ी करने का निर्देश दिया है। आम आदमी पार्टी नेता संदीप भारद्वाज ने खुदकुशी की, एमसीडी चुनाव में टिकट न मिलने से परेशान थे, पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस। संदीप भारद्वाज की मौत की जांच में जुटी है एफएसएल, जिस रूम में संदीप का शव मिला था वहां छानबीन की गई है।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, कहा आम आदमी पार्टी नेता संदीप भारद्वाज केस की न्यायिक जांच की जाए। अमित मालवीय का आप पर निशाना, कहा संदीप भारद्वाज ने टिकट के लिए केजरीवाल को दी थी मोटी रकम लेकिन केजरीवाल ने दूसरे को बेच दिया टिकट। दिल्ली में लचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह, पीएम मोदी के साथ राज्यपाल मुखी और सीएम हेमंता भी शामिल हुए। 400वीं जयंती पर लचित बरफुकन को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी, कहा विजेताओं का है भारत का इतिहास। जयंती समारोह को पीएम मोदी ने सुनाई लचित बरफुकन की कहानी भी, इस दौरान कहा बरफुकन ने गुवाहाटी को मुगलों से आजाद करवाया। गुजरात के वाघरा में अमित शाह की रैली, विशाल जनसभा को किया संबोधित, रोड शो भी करेंगे। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया मैनिफेस्टो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की, बजट को लेकर सलाह मशवरा किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा और राज्यसभा के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई, 6 दिसंबर को होगी बैठक। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग दिल्ली में आयोजित, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सुरक्षा अगर सामूहिक पहल हो तो फायदेमंद। टाइम्स नाउ समिट 2022 में पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, कहा उत्तराखंड में जल्द लागू करेंगे यूसीसी, लोगों से विचार विमर्श जारी है। समिट में बोले पुष्कर सिंह धामी, कहा नई सरकार के गठन पर यूसीसी को लेकर किया था संकल्प, यहां के लोगों के लिए एक समान कानून लागू करेंगे। गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल पर स्मृति ईरानी ने खुलासा क्या किया है, आज देखिए स्मृति का धमाकेदार 1-on-1 नाविका कुमार के साथ सवाल पब्लिक का में शाम 7:50 पर। के राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे स्मृति, देखिए स्मृति ने नाविका कुमार के कितने सवालों का जवाब दिया और कितनों को घुमा दिया, सवाल पब्लिक का में शाम 7:50 पर। आज यूपी के 3 और शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू की गई, आगरा प्रयागराज और गाजियाबाद में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की कैबिनेट ने मंजूरी दी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अवैध मदरसों के रजिस्ट्रेशन की सलाह दी, कहा जब अवैध स्कूल अस्पताल नहीं चल सकते तो अवैध मदरसा कैसे चल सकता है। अमित मालवीय ने भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो ट्वीट किया है, बीजेपी का दावा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। भारत जोड़ो यात्रा के वीडियो पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट, कहा बीजेपी डर्टी ट्रिक्स से बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा नारे लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत का सचिन पायलट पर वार, कहा गद्दार कभी नहीं बन सकता मुख्यमंत्री। अशोक गहलोत पर सचिन पायलट का बयान, कहा झूठे आरोप लगाने की सलाह कौन दे रहा है, मुझे पहले भी गद्दार कहा गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का अशोक गहलोत और पायलट के मतभेद पर बयान, कहा दोनों नेताओं के बीच पार्टी जल्द होगी सुलह। गहलोत और पायलट के बीच में मतभेद पर बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर ने ट्वीट किया, कहा राजस्थान में सरकार के नाम पर मजाक चल रहा है। पायलट को गद्दार कहे जाने पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज, कहा कि गद्दार कौन है ये अब राहुल गांधी को तय करना है। एमपी के कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा, सीएम शिवराज की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। कल से 3 दिन के गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल, 28 नवंबर को सूरत में करेंगे रोड शो। चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र कुचलने का लगाया आरोप। धार्मिक नाम और चिन्ह का इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दलों की याचिका चुनाव आयोग ने की रद्द, इसी ने कहा लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन करना होगा। सीएम ममता बनर्जी से मिले शुभेंदु अधिकारी, दोनों के बीच विधानसभा सत्र पर चर्चा हुई। शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट से मिली है बड़ी राहत, हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर लगी रोक। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद ने बहन के निकाह के लिए मांगी 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत, 29 नवंबर को कोर्ट करेगा सुनवाई। राम रहीम की आज खत्म हो रही है 40 दिन की पैरोल, शाम 5 बजे तक सुनार या जेल में करना होगा सरेंडर। बालाघाट के डबल मनी केस में ईडी की एंट्री, लांजी में मुख्य आरोपियों के घर पहुंची टीम, पूछताछ के बाद दोनों को भोपाल तलब किया गया। वक्त कानून को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। किसान नेताओं की पंजाब सरकार से सहमति बनी, कृषि मंत्री ने जूस पिलाकर खत्म करवाया किसान नेता का अनशन। सऊदी अरब के जेदाह शहर में आया सैलाब, तिनके की तरह बहती नजर आई गाड़ियां। सऊदी अरब में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सऊदी अरब के जेदाह में आई भयंकर बाढ़ में 2 लोगों की हुई मौत, सऊदी सरकार ने लोगों से की घर में रहने की अपील। सऊदी अरब में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से स्कूल कॉलेज बंद हुए, उड़ानों पर भी पड़ा असर। और देखिए चीन के झिनजियांग में भीषण आग से हड़कंप मच गया, बिल्डिंग में आग लगने से 10 लोगों की जान गई, 9 जख्मी, आग को बुझाने में करीब 3 घंटे लगे।
चीन में लगातार दूसरे दिन कोरोना के आंकड़ों में बढ़त। ग्वांगझू में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज, 80,000 क्वारंटीन सेंटर का निर्माण जारी है। पीएलए की नौसेना का फाइटर वॉरशिप का वीडियो सामने आया, समुद्र में अटैक करते नजर आए युद्धपोत, ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूसी सेना का टोर्नेडो रॉकेट लॉन्चर से अटैक, ध्वस्त ढांचों पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेनी सेना ने रूसी 1V14 तोपखाने पर कब्जा किया, खरसोन के ओब्लास्ट में यूक्रेनी सेना को मिली बड़ी सफलता। जंग में यूएवी पनिशर ने संभाला यूक्रेन का मोर्चा, रूसी सैनिकों से लोहा लेगी यूक्रेन की राष्ट्रीय पुलिस। यूक्रेन ने रूस पर तेज किए पलटवार, मैदान में उतरा 203 mm यूक्रेनी ऑफिसर 2CS पियोनी। डोनेस्क में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का आक्रमण, M777 होविजर तोपक से दागे हैं गोले। यूक्रेन का रूस पर हिमार्स से बड़ा अटैक, M142 हिमार्स से यूक्रेन ने रूसी फौज को तबाह किया। रूस के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का यूक्रेनी टैंकों पर हमला, हमले के दौरान नष्ट हुआ रूस का मिसाइल। जपरेजिया में रूसी अटैक की तस्वीरें सामने, 2 रॉकेट अटैक से भारी नुकसान, अस्पताल की दर्जनों खिड़कियां टूटी। जंग लड़ रहे एक रूसी कमांडर ने खुद को मारी गोली, पैर टूटने की वजह से जख्मी था कमांडर। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी ड्रोन को ध्वस्त किया, टॉर M2U एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से ड्रोन का शिकार किया। अमेरिका ने जताई यूक्रेन पर केमिकल अटैक की आशंका, खतरनाक है रूसी नर्व एजेंट नोविचोक, बड़े नरसंहार की ताकत है। रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी सेना का हमला, ड्रोन से बम गिराए। यूक्रेन के सैनिक ने ध्वस्त किया रूसी T-72 टैंक, धमाके का वीडियो आया सामने। लगातार धमाकों के चलते कीव में प्रदूषण स्तर बेहद खराब, लोगों को गैस स्टेशन पर रिचार्ज करने पड़ रहे इनहेलर्स, बच्चों को हो रही है परेशानी। यूक्रेन के खेरसोन पर रूस ने फिर के मिसाइलों की बौछार, अटैक से रिहायशी इलाकों को भी नुकसान, एक शख्स हुआ जख्मी। यूक्रेन के खेरसोन में रूसी हमले जारी, मिसाइल अटैक में मारे गए 5 लोग। यूक्रेन ने ध्वस्त किया यूक्रेनी रूसी ड्रोन, यूक्रेन के आसमान से रूसी ड्रोन का वीडियो आया सामने। यूक्रेन पर और आक्रामक हुआ रूस, सूत्रों के मुताबिक रूस रासायनिक हथियारों का कर सकता है इस्तेमाल। रूस के क्रिम्सक शहर में अंधाधुंध फायरिंग, हमलावर ने 3 लोगों को गोली मारी है, खुद को भी उड़ाया। रूस ने युद्ध में बंदी बनाए गए यूक्रेन के कुछ और नागरिक रिहा किए हैं, 50 इनकी संख्या है, कैद से छूटने के बाद खुश नजर आए। युद्ध पर करीब $82 बिलियन खर्च कर चुका है रूस। फोर्ब्स के मुताबिक रूसी सेना रोज 10 से 50,000 विस्फोटक इस्तेमाल कर रही है। डोनेस्क इलाके में यूक्रेनी सैनिक ले रहे हैं Sukhoi-27 फाइटर जेट की मदद, डोनेस्क को कब्जे में लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है यूक्रेनी सेना। कीव में हमले के कई दिनों बाद लौटी बिजली, लोगों ने कहा कि रूस के इन अटैक से नहीं डरेंगे यूक्रेनी लोग। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान 15,000 यूक्रेनी लापता हुए हैं, ICMP ने दी जानकारी। यूक्रेनी सेना की रूसी तुर्की पाइपलाइन को उड़ाने की साजिश नाकाम, मॉस्को में पकड़े गए कई यूक्रेनी हथियार। अमेरिका फिर करेगा यूक्रेन की मदद, जल्द भेजेगा एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम्स। रूस से तनातनी के बीच ब्रिटेन की नई तैयारी, हार्पून के बदले नई मिसाइल खरीदेगा ब्रिटेन, 11 वॉरशिप पर नए मिसाइल सिस्टम की होगी तैनाती। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की यूक्रेन को चेतावनी, कहा यूक्रेन जहां है वहीं ठहर जाए। भारत के खिलाफ पहले वनडे में 7 विकेट से जीता न्यूजीलैंड, टॉम थॉमन और केन विलियम्स ने जमाया रन। अमिताभ बच्चन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, बिना अनुमति नाम आवाज तस्वीर के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई।